असम के लमदिंग भाजपा विधायक शिबू मिश्रा छत्तीसगढ़ के तखतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रवास के अनुभव साझा किए। साथ ही असम में पूर्व और वर्तमान के हालातों में आए परिवर्तन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व असम में राष्ट्रीय पर्वों पर मोटर गाड़ी सभी कुछ बंद हो जाते थे, लेकिन आज हालात सामान्य है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भाजपा का एक कार्यक्रम चलता है विधायक प्रवास। इसी विधायक प्रवास कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभा और अलग अलग राज्यों से विधायक दूसरे राज्यों और क्षेत्रों में जा करके दौरा करते हैं और अपना अनुभव लेते हैं, साथ ही अपना अनुभव दूसरे क्षेत्र के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हैं। इसी के तहत तखतपुर में असम से आए हुए, असम के लमडिंग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए शिबू मिश्रा जी हैं, तो उनसे एक चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में या उनके विधानसभा क्षेत्र और राज्य में किस तरह का माहौल है, पहले क्या था, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो बताएंगे आपके असम में प्रमुख चीज़ें क्या हैं और वहाँ का सिनेरियो और यहाँ के सिनेरियो में क्या अंतर आपको लगता है? असम का जो मूल माँ कामाख्या मंदिर है, हमारा एक प्रवाद है कि सारे तीर्थ बार बार, माँ कामाख्या दर्शन एक बार, ये मेरा खूबी है। इसके अलावा अभी असम एक हिल एरिया है, उसका जो व्यू बहुत बढ़िया व्यू है, असम का आदमी भी बहुत भोला भाला है। तो तद्रूप मैंने जो छत्तीसगढ़ में आया देखा, छत्तीसगढ़ का आदमी भी बहुत भोला भाला है, प्यारा है। तखतपुर आदमी भी बहुत भोला भाला है। मेरे को जो इज्जत मिला, जो सम्मानित किया, प्यार मिला, ये बहुत बहुत अच्छा लगा। दिल से बोला होंगे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत विश्व शर्मा जो हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में हैं और मुख्यमंत्री के रूप में और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। तो पहले उनका जो कार्यशैली थी और अब की कार्यशैली में आपको क्या अंतर नज़र आता है? चल रहा था, देखो जब सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने जब कांग्रेस में था, उनका जो टैलेंट, उनका जो तेजस्वी, जो उनका जो करने का जो इरादा था राष्ट्र के लिए हो, राज्य के लिए हो, लेकिन उनको वो फ्रीडम नहीं मिला था शायद। वो जिस तरीका से वो काम करने का चाहते थे, उनके पार्टी उनको नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ को वो जो सेंटीमेंट का आधार के ऊपर उन्होंने भाजपा में योगदान किया। भाजपा में आने के बाद उनका जो सोच था, वो सोच धीरे 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 काम करने का मौका भी मिला, उनका अधिकार भी मिला, उनका जो टैलेंट, उनका जो ध्यान धारणा, उसको उनका ध्यान धारणा भाजपा का ध्यान धारणा ऑलमोस्ट एक, इसीलिए अभी केवल वो असम के मुख्यमंत्री नहीं, वो राष्ट्र की एक जाने माने पॉलिटिशियन के नाम में जाना जाता है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो इन बातों को लेकर के विशेष रूप से संजीदा हैं और लगातार बयान देते रहते हैं कि हम लोग जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर करेंगे और उनका जो यहाँ पर रहना है, जो यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके लिए कार्यवाही करेंगे। तो आप इसमें क्या कहते हैं? एक्चुअल हमारे भाजपा का जो अभी सम्मानित मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात नहीं बोल रहा है, कुछ संगठन ने बोला है कि बांग्लादेशी को निकलना चाहिए, लेकिन हमारे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो 16 अमेंडमेंट बिल जो लाए थे कि कोई हिंदू आदमी बांग्लादेशी हो नहीं सकता, क्योंकि वो लोगों को धर्म बचाने के लिए वो लोग बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, असम हो, पश्चिम बंग हो, बहुत सारे राज्य में उन लोगों ने आया, उनका जो स्थिति था वहाँ रहने का कोई स्थिति नहीं था, इसीलिए हमारे सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल लाया था कि कोई हिंदू विदेशी नहीं है। तो ये सिलसिला चलता है, अगर हम हिंदू आदमी अगर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहाँ जाएंगे? हमारा तो एक ही राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भारत, तो यहाँ ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे दादा लोग? यही कहना है मेरा मुख्यमंत्री जी को। हिंदुत्व को लेकर के दो नाम देश में बहुत प्रचलित हैं और युवाओं के बीच वो ज़्यादातर आइकॉन के रूप में जाने जा रहे हैं। एक नाम है तो विश्व शर्मा जी का है और दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच अगर तुलना करें तो आप किसको बेहतर पाते हैं और दोनों के बीच क्या अंतर दिख पाए? ये तुलना करने का तो मेरा तो अधिकार भी नहीं, मेरा इतना अभिज्ञता भी नहीं। योगी जी, योगी आदित्य सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हिंद के लिए काम करके जा रहा है, असम के सम्मानित मुख्यमंत्री, उन्होंने भी हिंदुत्व के लिए काम करके जा रहा है। तो अल्टीमेट इसका
कौन छोटा कौन बड़ा ये हमसे ये एक्सप्लेन करना हमसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सोच है। एक समय था जब असम जो है वो लगातार हिंसा और दूसरी चीज़ों से पीड़ित रहता था, लगातार वहाँ हिंसाएं होती रहती। अभी कैसा माहौल है और इसको नियंत्रण कर हिंसा हाँ चलो दादा हाँ। आज से 10 साल पहले विशेष तौर से जो असम 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो एक हफ्ता पहले से गाड़ी घोड़ा बंद ये जो बोमा आतंक ये होते थे, लेकिन आज पूरे देश हो असम राज्य हो ऐसा कुछ देख नहीं पाता, क्योंकि धीरे धीरे आदमी को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आदमी को ये पता चल जाए कि चलो इस हिंसा में कोई कुछ मिलने वाला नहीं, इसीलिए आज असम राज्य बहुत शांतिपूर्ण राज्य है ये मेरा कहना है। आखिरी प्रश्न, छत्तीसगढ़ आप आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आपने लगभग हफ्ता 10 दिन बिताया हुआ है, यहाँ की जनता का व्यवहार कैसा लगा और यहाँ पर ऐसा कौन सा डिश है जो आपको खाने को मिला और अलग लगा आपको? दिल से कहूँ मैं बार बार मैं मंच में भी बोला, थोड़ी देर पहले भी बोला, छत्तीसगढ़ वासियों थकतपुर वासियों बहुत प्यारा है, मेरे जो इज्जत दिया मेरे को जो सम्मानित किया मेरे को जो प्यार दिया ये जिंदगी भर में इसका आभारी रहूँगा, बहुत अच्छा आदमी छत्तीसगढ़ वाला। कौन सा ऐसा विशेष व्यंजन है जो आपको खाने को मिला यहाँ? देखिए दादा खाना तो सब एक ही है, लेकिन यहाँ सावरमा भी चल रहा है जहाँ तक हमको जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आदमी भेज खाते हैं, मैं भी भेज मेरे को भी भेज अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया खाना, खाने का जो यहाँ का जो कल्चर है जो है बहुत बढ़िया अच्छा है। ये थे असम से आए हुए विधायक जो विधायक प्रवास कार्यक्रम के तहत आए हुए थे और अभी आज इन लोग इनका मेरे ख्याल से अंतिम दिन है तो इसके बाद ये चले जाएंगे। इनका अनुभव हम लोग यहाँ शेयर कर रहे थे। मैं राकेश मिश्रा, साधना न्यूज़, MPCG, मुंगेली, ब्यूरो।